हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का साइंस कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाने के नियम। तो उसको चेंज करने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। तो आइए हम लोग उसको पढ़ेंगे, उसके बाद एग्जांपल के अनुसार उसको बनाएंगे। तो दिया है सेंटेंस के दूसरे भाग को पहले भाग में बदलना है, उसके बाद वर्ब लगा देना है। उसके बाद है यदि पॉजिटिव का सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो उसे निगेटिव में, और निगेटिव में हो तो उसे अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे, यानी बदल देंगे। चौथा दिया गया एज या एज या रहेगा सो एज को हटा देंगे। पॉजिटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब को कंपैरेटिव में बदलना। छठा है देन ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। सातवा है सेंटेंस के पहले भाग को अंत में लगा देंगे। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ दिया गया ही इज एज गुड एज राम, यानी राम जो है इसके लिए हम लोग ही का यूज करेंगे। यहाँ हो जाएगा ही इज। यहाँ जो सेंटेंस आप लोग दिखाई दे रहे हैं अफर्मेटिव में, तो इसको निगेटिव में चेंज करेंगे नॉट, और गुड का हो जाएगा आपका कॉम्पिटेटिव बेटर। देन ही का ही हो जाएगा। कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री का एक वीडियो बन गया, आप लोग उसको देख लीजिएगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है आई एम नॉट एज टेल एज यू, यानी इसमें निगेटिव है तो इसको अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। यू का यू ही हो जाएगा, यू इसके साथ लगेगा आर, और यहाँ हो जाएगा टेलर, क्योंकि यहाँ जो दिया है निगेटिव में सेंटेंस है, इसको निगेटिव में रहेगा तो उसको अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो टेल का हो जाएगा टेलर, देन और आई का आई हो गया एक करेक्ट आंसर। अगला एग्जांपल दिया गया है सीता इज एज ब्यूटीफुल एज गीता, यानी यहाँ जो दिया है फुल लगा हुआ है, ब्यूटीफुल है, यानी फाइव अंक से ज्यादा जो रहेगा उसमें मोर का यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ गीता हो जाएगा, गीता के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, सी इज, उसके बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद यहाँ हो जाएगा मोर, मोर ब्यूटीफुल, और इसके बाद हो जाएगा देन, और यहां हो जाएगा सीता। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, आप लोग उसको यहां सी भी लिख सकते हैं। अगला एग्जांपल दिया गया है दे आर एज पावरफुल एज यू, यानी यहां हो जाएगा यू, यू के साथ हमेशा यूज होता है आर, उसके बाद इसमें लगाएंगे नॉट क्योंकि अफर्मेटिव है, और यहां हो जाएगा मोर पावरफुल, मोर पावर पावरफुल, उसके बाद आएगा देन, उसके बाद हो जाएगा दे, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसी प्रकार लास्ट एग्जांपल दिया गया, आप लोग देख सकते हैं मिल्क इज सो एज गुड एज टी, यानी यहां एज या सो दोनों में से कोई एक रहेगा, तो यहां हो जाएगा टी इज नॉट, उसके बाद हो जाएगा गुड का होता है बेटर, देन यहां हो जाएगा मिल्क, ये हो गया करेक्ट आंसर। अब हम लोग तो पढ़ लिए हैं कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज कैसे किया जाता है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज किया जाता है। तो इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, देख सकते हैं आप लोग, कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में बनाने के नियम। तो सबसे पहला है सेंटेंस को अंतिम भाग को प्रथम भाग में लगा देंगे, उसके बाद एडजेक्टिव को यानी एज को बीच में रखेंगे, ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव के बाद देन को हटा देंगे, यानी जो भी रहेगा उसको देन को हटा देना है। यहाँ यदि सेंटेंस जो है निगेटिव में रहेगा उसको अफर्मेटिव बनाना है, जो अफर्मेटिव में रहेगा उसको निगेटिव में चेंज कर देना है, यानी बना लेना है। लास्ट है वाक्य सेंटेंस के अंतिम पहले भाग को अंतिम में लगा देना है। तो आइए हम लोग एग्जांपल के तरह से देखते हैं, पूरा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले दिया है यू आर डॉलर देन मोहन, यानी मोहन जो है एक पुरुष है, तो पुरुष के लिए हम लोग ही का यूज करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ही। उसके बाद यहाँ सेंटेंस में जो दिया गया आप लोग देख सकते हैं ये है अफर्मेटिव, तो इसको निगेटिव में चेंज करेंगे। सबसे पहले यहाँ क्रिया लगेगा इज, यानी वर्ब हो गया इज, उसके बाद होगा नॉट। अब यहाँ ध्यान देना है यहाँ लगेगा एज, और यहाँ डॉलर दिया है, डॉलर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसको पॉजिटिव में चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा डॉल,
डॉल एज, क्योंकि दोनों के बीच में रखना है एडजेक्टिव एज, यहाँ हो जाएगा यू, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अगला एग्जांपल दिया गया, सीता इज नॉट मोर एक्टिव देन यू, यानी आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक है, यानी 5 से जो अधिक रहेगा उसके लिए मोर का यूज हम लोग करेंगे, तो हो जाएगा कंपेरेटिव, और मस्ट लगा दीजिएगा तो हो जाएगा सुपरलेटिव, ठीक है, और एक्टिव के लिए वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव डिग्री है, तो यहाँ हो जाएगा यू, यू के साथ लगेगा आर, इसमें निगेटिव है तो अफर्मेटिव में चेंज होगा, उसके बाद यहाँ क्या होगा आपका एज, उसके बाद होगा एक्टिव, क्योंकि हम लोगों को चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में, एज, उसके बाद आपका हो जाएगा सीता, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है, ही इज बेटर देन यू, यानी यू जो है वो सब्जेक्ट में कार्य करेगा, यानी जो ये हो जाएगा यू, उसके बाद हो जाएगा आर, और यहाँ अफर्मेटिव है इसको निगेटिव में चेंज कीजिए नॉट, और बेटर का क्या होता है पॉजिटिव, ये हो जाएगा गुड, यहाँ सॉरी यहाँ एज छूट गया है, एज गुड एज, यहाँ हो जाएगा ही, ये आपका हो जाएगा कंप्लीट आंसर। अगला एग्जांपल दिया गया, आप लोग देख सकते हैं, राम इज नॉट फास्टर देन ही, तो इसका क्या हो जाएगा ही इज एज, फास्टर का होता है फास्ट, एज राम का ही लिख सकते हैं या राम भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लास्ट एग्जांपल दिया गया, आप लोग देख सकते हैं, सीता इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन गीता, यानी जो गीता है उसको सब्जेक्ट ग्रुप में लाइए, तो यहाँ हो जाएगा सी इज, यहाँ हो जाएगा एज, मोर को हटा देना है, यहाँ हो जाएगा इंटेलिजेंट एज, यहाँ हो जाएगा सीता, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।